श्वेता, हम देख रहे हैं कि जिस मंदिर से आप जुड़े हुए हैं ये दिल्ली के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, लेकिन शोभा यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी, सुरक्षा के किस तरीके के आज इंतजाम है? देखिए सरगम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्था आप यहां पर चारों तरफ मेरे कैमरामैन अगर आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएं तो आप समझ सकती हैं कि कितने व्यवस्थित तरीके से आज सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं को अलग अलग लेन्स उनके बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को आने में और अंदर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद बाहर जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी पूरी व्यवस्था यहां की गई है। आप देख सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से सारे लोग यहां पर आ रहे हैं और बिना किसी दिक्कत के यहां पर हनुमान जी के दर्शन करके और वापस जा रहे हैं। आप पताका भी देख सकते हैं, विजय पताका लेकर के कई लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी दिखाने की आपको हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज विशेष रूप से इस मंदिर में, जो कि यहां का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है, लगभग 5000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है, इस मंदिर से आपको बता दें कि यहां पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका आना जारी है। और श्वेता, अगर भंडारे की बात करें, प्रसाद वितरण की हम बात करें, तो किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम विशाल भंडारा भी वहां पर होगा, साथ ही साथ शाम को भी विशेष प्रस्तुति होगी। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, प्रसाद ग्रहण करने आप भी वैभव आ सकते हैं शाम के समय में जब आपकी शिफ्ट ओवर हो जाए। तो आपको बता दूं कि 51 किलोग्राम का यहां पर विशेष तौर पर बूंदी का लड्डू आज चढ़ने वाला है हनुमान जी को, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। एक तरफ आप देख सकते हैं यहां श्रद्धालुओं की तस्वीरें हैं, श्रद्धालु लगातार अंदर पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मिठाई भी यहां पर बनते हुए और डब्बे में देखिए पैक होते हुए आपको दिखाई देगी। लगातार ठीक मंदिर के बगल में ही कई सारी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें यहां पर लगाई गई हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद वहां पर ले सकते हैं और अपने यहां से लेकर भगवान को चढ़ाने के साथ साथ घर में जाकर लोगों को वो दे सकते हैं। देखिए, विशेष इस तरह की जो थाली है वो यहां पर जो है वो मिल रही है। आप कहा, आपने ये थाली यहीं से ली? हाँ जी। इसमें प्रसाद के साथ और क्या दिया जा रहा है? प्रसाद के साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रसाद। हाँ, फूल अलग से लिए हैं लेकिन। और यहाँ पर विशेष तौर पर लड्डू आज मिल रहे हैं क्योंकि हनुमान जी को काफी प्रिय है, और पेड़ा भी। हाँ जी, हर भगवान के कहते हैं ना कुछ प्रिय भोग होते हैं, और हनुमान जी की अगर बात की जाए तो उनका प्रिय भोग जो है वो लड्डू है। इसलिए विशेष तौर पर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो या तो बूंदी के लड्डू या तो बेसन के लड्डू चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर भंडारा भी शाम में होने वाला है, जो आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि विशेष करके यहाँ से शोभा यात्रा शाम 4 बजे निकलेगी जी, उसकी तस्वीरें भी होंगी वैभव। बिल्कुल, शोभा यात्रा की तस्वीरें होंगी। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो से भी 2 पंडित जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पंडित डीपी शास्त्री जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। संकट मोचन कहा जाता है हनुमान जी को, तो आज के दिन कौन से उपाय करें जिससे विशेष फल की प्राप्ति हो, साथ ही में जीवन में जो तमाम संकट है उसका कैसे निवारण? देखिए, संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज, मम दुखम क्षयम करो तू, माता सीता के दुख के भी इन्होंने दूर किया, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा गया। और भगवती आशीर्वाद दी कि अजर अमर गुण निधिषित हो, करो बहुत रघुनायक छोहू। जो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, 4 युग का प्रमाण हनुमान जी का है। सतयुग के मंदिर में संकट को काटे, जो हम जाते हैं भद्रिका क्षेत्र में हनुमान चट्टी है। त्रेता में अगर आप जाएं तो रामेश्वरम में लिंग था, पवित्रवत कर पूजा, शिव समान मोहिनी दूजा। वह हनुमान जी उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के लक्ष्मण को प्राण को जिलाने में काम करने में सजीवन बुट्टी लाए, वो भी प्रमाण मिलता है। अगर द्वापर में आ जाएं तो द्वापर में आने के बाद द्वारिकाधीश जो टेम्पल है समुद्र के तट पे है, वो भी हनुमान जी की एक प्रतिमा है। उस काल में भी हनुमान जी भगवान के साथ महाभारत इत्यादि समय में कार्य करते रहे, वो भी संकट को काटे और धर्म को स्थापना किए। और कलिकाल में जो चर्चा हो रहा है, हम जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, अन्यथा भी मूर्ति बनी है, विग्रह बना है बालू के रेत पे, उस स्थान से लेकर के जनमानस में हर व्यक्ति के जीवन में हनुमान जी महाराज अजर अमर के तरह जो है वैसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाबा थारे पांव मेरे घर पड़ जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए, एक बार बन के मेहमान बालाजी मेरे घर आना।
तिरुपति जो टेम्पल है जहां मां अंजनी ने तपस्या किया, उसी टेम्पल पे, उसी पहाड़ पे, उसी शिला पे हनुमान जी को उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए संकट मोचन का पाठ हो या किष्कंधा का पाठ हो, हम यहां बता दें कि महाराष्ट्र जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम मारिच को, सुबाहु को सबको माने हैं, और जो कर्नाटक क्षेत्र और किष्कंधा क्षेत्र है। साथ ही शास्त्री जी ये भी बताइए महाराज, ये सब हम उत्सुक रहते हैं कि कलयुग के भगवान क्यों कहा जाता है हनुमान जी को? ऐसा क्यों कहा जाता है कि कलयुग के भगवान है, आज भी जीवंत है, अगर सबसे जल्दी जो है ये मान जाते हैं इनको अगर हम मनाएं तो? इसलिए कहा जाता है कि राम जो जब सरयुग नदी में राम जी प्रवेश कर गए, इस धराधाम को छोड़ के चले गए, अयोध्या से लेकर के पूरा भूमंडल के पूरे धरा का जो अधिपति या देवता या रक्षक हनुमान जी को राम जी खुद बना करके गए, तो जिसको राम जी बना करके इस धरा पे, इस धाम पे स्थान दे के जाए, उसको सदैव लोग पूजन करेंगे। राम जी खुद बनाए हैं जी, राम जी खुद कहते हैं कि भरत के समान मेरे तुम प्रिय हो, लक्ष्मण से मेरे जीवन में श्रेष्ठ हो, हे हनुमान जी महाराज आपकी कृपा इस धरा पे बनी रहे, इसीलिए हम बालक हो, बुजुर्ग हो या कोई व्यक्ति हो, मानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, सब लोग हनुमान जी के पूजन करते हैं और करना भी चाहिए। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हो सके तो किष्कंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड, कोई कांड, सातों कांड में जो आप पांच दोहा पढ़ सकते हैं, नौकरी में हो, घर में हो, पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए आपके जीवन में सारे संकट कट जाएगा, और जो आपका संकल्प होगा हनुमान जी उसे पूर्ति कर देंगे।